तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और आप सबका स्वागत है ज्योति की किचन में। तो आज मैंने बनाया है बर्थ स्पेशल खाना, जिसमें मैंने बनाया है आलू का पराठा और जीरा आलू और खीरे का रायता। तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, स्पेशल बनाया है सब कुछ, तो आप प्लीज़ इसको इंजॉय करिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे रेसिपी बनाना। यहाँ पे लिए मैंने दो आलू बॉयल और इनको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालूंगी मैं कद्दूकस किया हुआ अदरक। ये मैंने थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस कर लिया है। कटकी हुई हरी मिर्च मैंने, आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने एक हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। जीरा तो मैं एक चम्मच डालूंगी, काली मिर्च और सेंधा नमक। मैंने यहाँ पे दोनों को इकट्ठे पीसा हुआ है, तो मैं एक चम्मच वो डाल दूंगी इसके अंदर। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी, 1 कप सामक का आटा, और यहाँ पे डालूंगी मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और इनको अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका एक डो बन गया, और मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो देखिए डो बन के अच्छे से रेडी हो गया। इस आटे को लगाने के लिए मुझे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, आलू के मिक्सर में ही हमारा डो अच्छे से मिक्स हो गया है। जो हमने सामक का आटा डाला था, मैंने थोड़ा सा हाथ पे घी लगाया है और इसको मैं अच्छे से मसल के थोड़ा सा सेट कर लूँगी। अगर आपको लगे फ्रेंड्स कि आपको पानी की ज़रूरत है इसको लगाने के लिए, तो आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ये आलू के अंदर ही अच्छे से मिक्स हो गया आटा, देखिए ये हमारा आटा बन के अच्छे से यहाँ पे रेडी हो गया। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो मैं बनाऊंगी अभी आलू की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिए हैं, मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं यहाँ पे मीडियम साइज के, और इनको मैंने देखो ऐसे कट कर लिया है, ऐसी शेप में इनको कट कर लिया है। तो बनाएंगे आलू की सब्जी। तो पैन गरम हो गया, इसके अंदर डालूंगी मैं घी, और ये मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है, और डालूंगी जीरा, मैंने 1 मिर्च को कट कर लिया है वो डालेंगे, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया वो डालेंगे, और इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे। तो ये अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कटा हुआ टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसके ऊपर डालूंगी मैं आधा चम्मच सेंधा नमक। तो हम टमाटर को यहाँ पे अच्छे से पका लेंगे। टमाटर यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर, और इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी यहाँ पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बॉईल किए हुए आलू, और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आलू और टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इनको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे अच्छे से पकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू अच्छे से पक गए, इसके अंदर डालूंगी मैं कटा हुआ हरा धनिया, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। हमारे आलू भी बनके रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है दही, और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसके अंदर डालूंगी मैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और सेंधा नमक का पाउडर, ये मैंने मिक्स किया हुआ है एक साथ में। और यहाँ पे डालूंगी मैं इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ खीरा, ये मैंने एक खीरे को कद्दूकस कर लिया वो इसके अंदर हम डालेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, उसको मैंने क्रश कर लिया ऐसे हाथों के बीच में रख के, और इसको हम इसके अंदर डालेंगे, और इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी है बर्थ स्पेशल,
खीरे का रायता। तो देखिए अभी हमारा आटा हो गया अच्छे से सेट। अब इसमें से हम ऐसे लोई लेंगे, ऐसे आटा लेंगे थोड़ा सा, और इसकी ऐसे हम एक लोई बना लेंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम सूखे आटे में लपेटेंगे और इसको हम यहाँ पे बेलेंगे। तो देखिए ये मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। अभी जो इसके किनारे देखिए ये फटे फटे हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे इसको परफेक्ट शेप में लाने के लिए ऐसे कोई लिड लेंगे एक, और उसको ऐसे रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा डो होगा ना ये निकाल लेंगे ऐसे। तो देखिए ये हमारा पराठा बनके अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसको सेक लेंगे। यहाँ पे तवा हो गया अच्छे से गरम। अब हम इसमें अपना पराठा डाल लेंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे। पराठा नीचे से अच्छे से सिक गया। अब हम इसको यहाँ पे पलट लेंगे और इस पे हम इस साइड पे घी लगा लेंगे। तो घी लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे। और अच्छे से हम इसको ऐसे दोनों साइड से प्रेस करते हुए देखिए हमारा जो ये पराठा ही अच्छे से फूल गया है। देखिए ऐसे दबा दबा के मैं इसको सेक रही हूँ। देखिए ये फूल गया बिल्कुल ऐसे पराठा। तो हम इसको दोनों साइड से ऐसे सेक लेंगे अच्छे से पलट पलट करके। और सारे पराठे हम इसी प्रोसेस के साथ सेक लेंगे। तो मैं अपने सारे पराठे ऐसे तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं और हमारी थाली तैयार हो गई।